इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसी एफिलिएट माइक्रो नीश के बारे में जो कि भाई आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ये जो माइक्रो नीश है मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके टाइम देके निकाली है, तो भाई इस वीडियो को लास्ट देखना। तो पहले भाई बात कर लेते हैं चैनल को, देखो यहाँ पर मैं अलग ही अलग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में बात करते रहता हूँ और अलग अलग माइक्रो नीश के बारे में बात करते रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग वीडियोज बना रखी है जो कि मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ चैनल पर, है ना। तो भाई इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो भाई चलते हमारी पहली माइक्रो नीश के बारे में जो कि यहाँ पर एफिलिएट बेस्ड माइक्रो नीश है जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बेस्ट ट्रायल कैमरा। ट्रायल कैमरा क्या होता है ये चीज आपको पता नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ पर सर्च कर लेते हैं सैमरस के अंदर और साथ ही साथ सैमरस के अंदर करके हम यहाँ पर इसको गूगल में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ट ट्रायल कैमरा, जो ये वेबसाइट आप देख रहे हो ना जो ऊपर आ रही है, ये भी एक नई वेबसाइट है जो कि यहाँ पर अभी वेरीफाई इतनी हुई नहीं है, मतलब कि ज्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं होगी, है ना। अगर हम एक बार इसको वेबसाइट को ही चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सर्च कर दिया और यहाँ पर आप साइड में भी देख सकते हो जो बेस्ट ट्रायल कैमरा। ट्रायल कैमरा क्या होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूएसए में चलता है ये चीज, है ना, यूएसए में चलता है जो कि यहाँ पर पेड़ पर कैमरे लगाते हैं और यहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं, पेड़ मतलब पंछी होते हैं, है ना, तो उनके फोटोज निकालने के लिए, शॉर्ट्स वीडियो निकालने के लिए, तो ये भाई ये कैमरे होते हैं ना। आप देख सकते हो आप यूनाइटेड स्टेट में ज्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पर आप साइड में देख भी सकते हो अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन मतलब की लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के कैमरेज है ना। तो भाई हम एक बार इसका प्राइस भी चेक कर लेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कीवर्ड्स की। अब देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो मैंने बेस्ट ट्रायल कैमरा लिखा और यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो आप बहुत कम है, पर कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख सकते हो 29 दिखा रहा है, मतलब ये कीवर्ड डिफिकल्टी 29 दिखा रहा है ना, बहुत ही कम है मतलब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 कीवर्ड दिखा रहा है और यहाँ पर हम व्यू ऑल कीवर्ड कर लेते हैं जो कि यहाँ पर 47,000 का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। अगर हम बात करें एक बार बेस्ट को हटा देते हैं, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं बेस्ट को हटा देते, यहाँ पर देखो 2000 कीवर्ड और यहाँ पर वॉल्यूम आप देख सकते हो, तो इसका कम हो जाएगा। क्योंकि कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बेस्ट लगा देता, क्योंकि यहाँ पर हम यूजर की नीड को फुलफिल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर देखो बहुत सारे रिजल्ट है, अगर आपको ट्रैफिक की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ेगी, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आप लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड टारगेट कर सकते हो। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो 26,000 कीवर्ड दिखा रखे और यहाँ पर 4.5 लाख का ये समथिंग मतलब सर्च वॉल्यूम दिखा रखा है, 4,21,000। और हम इसको बेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें आर्टिकल लिखने और साथ साथ जो लोग सर्च करके आएंगे तो वे बेस्ट सर्च करके आएंगे और साथ साथ हम जो चीज बताएंगे उन्हें अपनी वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर वे वही चीज खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेशियो बढ़ जाता है खरीदने का, क्योंकि हम यहाँ पर बेस्ट लगा रहे हैं ना, आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं बेस्ट चीज खरीदने आते हैं। तो यहाँ पर आप कीवर्ड देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा लो कॉम्पिटिशन है, अगर हम बेस्ट करें यहाँ पे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि यहाँ पर बेस्ट कैलकुलेटर ट्रायल कैमरा 2023 अब यहाँ पे शो हो रहा है, देखो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, यहाँ पर देखो केड़ी कितनी है 7। अब एक बार इसको हम चेक ही कर लेते हैं इस कीवर्ड को गूगल के अंदर, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए। तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम यूएसए कर लेते हैं गूगल यूएसए, क्योंकि जो ये नीश है ना ये यूनाइटेड स्टेट बेस्ड है। तो हम यहाँ पर एक बार सर्च कर लेते हैं इस कीवर्ड को, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी वेबसाइट आती है, कौन सी यहाँ रैंक है। देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक कर रही है जो कि यहाँ पर मतलब कि अमेज़न ही रैंक कर रहा है एक टाइप से ना। अब नीचे हम चेक करते हैं तो एक ये वाली वेबसाइट है जो कि अभी हमने ओपन करके दिखाई थी, सामने आपको दिख भी रही थी। तो यहाँ पर 3 साल पुराना डोमेन है और यहाँ पर जो ट्रैफिक आ रहा है इसका 50-80-90 के करीब आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये एफिलिएट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो बेस्ट बेस्ट ओके, तो यहाँ पर देखो कोई एफिलिएट लिंक्स तो दिख नहीं रहा जो कि यहाँ पर ये कर रहा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एफिलिएट कर रहा है ये। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो कैमरा है इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये चीज है जो कि एक कैमरा बेस्ड है जो कि यहाँ पर जंगल में यूज होता है ज्यादा। यहाँ पर इसने एक पिंटरेस्ट करके एड्स भी लगा रखा है, शायद पिंटरेस्ट फोटो है तो, है ना। और यहाँ पर देख सकते हो आप कितना महंगा है, मतलब कि भाई $119 का है, मतलब कि आराम से भाई आपकी अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है अगर आपकी एक सेल आ गई तो। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कैमरे हैं जो कि यहाँ पर देखो $400-450 का कैमरा है और 99, 149 और यहाँ पर देख सकते हो 148 का और 199 का, मतलब कि बहुत ही महंगे कैमरे हैं। मतलब कि यहाँ पर बात यह है आपको कमीशन बहुत अच्छा मिलने वाला है, आपकी अर्निंग होने वाली है भाई तगड़ी करके। अगर कोई काम कर रहे तो भाई मुझे कमेंट में बताना अगर कोई काम करना चाहता है इस नीश के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कि बहुत ही मतलब कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो मैं आपको माइक्रो नीश बता रहा हूँ। ये देखो ये एफिलिएट कर रहा है जो कि यहाँ पर दूसरा कैमरा है और यहाँ पर देखो पूरा एफिलिएट ब्लॉग है ना, इसकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही होगी बहुत तगड़ी करके, है ना, मतलब कि ये डेली का आराम से बहुत ज्यादा बना रहा होगा। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रैंक करी है और ये वेबसाइट है एक बार यहाँ इसको भी चेक कर लेते हैं, 13 साल पुरानी वेबसाइट एक बार यहाँ पर खोल लेते हैं इसको। और जो इसका ट्रैफिक आ रहा है ना देखो बड़ी वेबसाइट है, देखो इसका जो ट्रैफिक आ रहा है वो 1 मिलियन के आसपास, तो मतलब कि बड़ी वेबसाइट है जो कि यहाँ पर फोरम वेबसाइट है एक टाइप से, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस कैमरे से रिलेटेड, है ना, जो कि हमारी एक वेबसाइट हमें यहाँ पर मिली है जो अगर आपको इसका कंटेंट देखना है आप देख सकते हो कैसे लिख रहा है। एक वेबसाइट ये मिली जो कि एफिलिएट कर रही है यहाँ पर, 3 साल पुरानी वेबसाइट है और यहाँ पर छोटी छोटी वेबसाइट है जो कि यहाँ पर देखो डोमेन अथॉरिटी कितने दिखाया 34। देखो ये
भी एक एफिलिएट ब्लॉग है जो कि आप सामने खुद ही देख सकते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी, जो कि यहाँ पे ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होगा इसी प्रोडक्ट की। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन बता रखी है इसने, और एक बार हम देखते हैं। देखो इसने कुछ, मुझे लग रहा है इसने, ओके यहाँ पर ट्रायल कैमरा, तो देखो यहाँ पर ये एफिलिएट कर रहा है, ये भी इसने मेडिसन का इसका कैमरा यहाँ पर डाल रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरलिंकिंग कर रखी है, और यहाँ पर ये वाला अलग कैमरा है। मतलब कि इसने एफिलिएट, मतलब दबा के एफिलिएट हो रहा है भाई, अच्छे खासे क्वालिटी में इसने आर्टिकल भी लिख रखा है पूरी इन्फॉर्मेशन से। एक बार ट्रैफिक और इसका डोमेन अथॉरिटी देख लेते हैं इसकी, ओके और यहाँ पे इसका ट्रैफिक भी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर इनिशियली मतलब कि अच्छा खासा ट्रैफिक ले जा रही है ना, एफिलिएट वेबसाइट है। देखो अलग अलग कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर फिश या माइन फिश के कुछ टूल्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पर सेल कर रहा हो, यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक आ रहा है। तो भाई मतलब कि आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल मिलने वाला है, बस आपको क्या करना है, केवल अच्छा कीवर्ड पिक करना है, और साथ ही साथ उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 हज़ार वर्ड तक का आर्टिकल लिख लेना है, जो कि एक गूगल के अंदर अच्छा इंडिकेट देता है, जो अच्छे मतलब कि इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, है ना, मतलब कि इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी है आपकी यूजर की, है ना। एक ये है देखो, बेस्ट ग्रोविंग ट्रायल कैमरा करके है, इसको भी ऐसे चेक कर सकते हो। मतलब कि बहुत तगड़ा एफिलिएट होने वाला है इस ब्लॉग के अंदर, है ना भाई, आपको मतलब कि बस स्टार्ट करना है, और साथ ही साथ तो भाई आप बहुत तगड़ी अर्निंग करने वाले हो अगर आपको भाई करना है ना। तो भाई हम बात करते हैं अब सेकंड हमारी माइक्रो नीश की, जो कि यहाँ पर एफिलिएट नीश है, बेस्ट रेजर फॉर मैन। अब रेजर क्या होता है देखो, आपको पता होगा जो कि मैन यूज करते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो बेस्ट रेजर जो जिलेट का होता है, और यहाँ पर अलग अलग होते हैं ना, जो कि मैन शेविंग करते हैं जो, है ना, आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो। और हम एक बार इसको भी डाल के देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट रेजर फॉर मैन करके, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दिखा रहा है आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर कीवर्ड कितने दिखा रहे हैं 2000 दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम कितना है 80-90 हज़ार के आसपास, है ना। आपको क्या करना है, केवल ऑल कीवर्ड पे जाना है, और साथ ही साथ भाई ऐसी वेबसाइट फाइंड करें जो कि यहाँ एफिलिएट कर रही हो, जो कि इसी पर्टिकुलर पर वेबसाइट बना रखी होगी। और यहाँ पर आपको करते हैं एक बार लो कंपटीशन कर देते हैं वेरी इजी, और चेक कर लेते हैं एक बार कौन कौन से इसके अंदर कीवर्ड है। देखो बहुत ही कम कीवर्ड है, मतलब कि इसके अंदर थोड़ा है कॉम्पिटिशन, पर आपको अच्छी खासी वेबसाइट की बिल्ड अथॉरिटी करनी पड़ेगी पहले। अथॉरिटी बिल्ड करने के बाद भाई आप इस पर जा सकते हो, जैसे कि ये बेस्ट रेजर फॉर ब्लैक मैन करके, है ना, ब्लैक मैन सर्च हो रहा है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मीडियम रैंक कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपकी, और यहाँ पर रेड रैंक कर रहा है। तो भाई आपको ऐसे करके आर्टिकल टारगेट करने हैं, तो यहाँ पर हम एक बार वे इजी कर लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, पहले तो भाई सबसे पहले आपको टॉप 10 करके, टॉप 10 या टॉप 20 आप कितनी क्षमता हो सकती है उतने आर्टिकल के लिए कीवर्ड निकाल लीजिए, मतलब कि टॉप 10 कीवर्ड निकालें जो कि बहुत ही लो कंपटीशन हो, जिस पर ज्यादा बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही हो, जो कि आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ जाए, है ना। मतलब कि थोड़ा सा आपको मेहनत इसके अंदर करनी पड़ेगी, थोड़े बैकलिंक पे भी ध्यान देने पड़ेंगे, और साइट की जो आपकी है वो अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। मतलब कि आपकी नई वेबसाइट है तो भाई आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आपको ऐसे ही करके कीवर्ड रिसर्च करनी है, और यहाँ पर एक बार हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, या बेस्ट करके, या प्रोजन कोन्स, या रेजर प्रोजन कोन्स करके, अलग अलग कीवर्ड टाइप निकल जाएंगे यहाँ। तो यहाँ पर देखो बेस्ट आ गए सारे के सारे कीवर्ड्स, तो ऐसे करके भाई आप कीवर्ड निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड माइक्रो नीश की, जो कि यहाँ पर एफिलिएट बेस्ड होने वाली है, वो भी जो हमारी है बेस्ट माइक्रोवेव। अब देखो माइक्रोवेव तुम्हें पता है एवरग्रीन मतलब की वो है प्रोडक्ट, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं डाल के इसके अंदर सैमरस के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैंने अभी क्या कहा था कि एवरग्रीन वो है मतलब की प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर सर्च होता रहता है, और यहाँ पर बाइंग भी बहुत ज्यादा होती है। अब देखो माइक्रोवेव है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, इंडोनेशिया में यहाँ पर ज्यादा सर्च होता है, यहाँ पर ज्यादा यूज होता है ये चीज करके। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो वॉल्यूम और यहाँ पर कीवर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर बस आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाले मतलब कीवर्ड्स की। तो यहाँ पर केवल क्या करना है, आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है मेनली, है ना, कीवर्ड रिसर्च करनी है। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, आपको दिखाई देता हूं मैं साथ ही साथ, है ना। लो कॉम्पिटिशन कर लेंगे हम, जो कि यहाँ पर हम बहुत ही लो कोल्ड कर लेंगे, जो कि हमें यहाँ पर छोटी छोटी वेबसाइट पे निकल के आ जाए। देखो 1000 कीवर्ड आ चुके हैं और 70,000 का सर्च वॉल्यूम आ चुका है। हम एक बार चेक कर लेंगे, देखो माइक्रोवेव स्मॉल काउंटर टॉप करके, और बहुत सारे कीवर्ड्स है ना। एक बार हम यहाँ पर बेस्ट भी लगाए थे, बेस्ट माइक्रोवेव, है ना। देखो बेस्ट माइक्रोवेव करके देखो बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर लो कंपटीशन ही लग रहे हैं देखने से। देखो बेस्ट 24 इंच ओवर द रेंज ऑफ माइक्रोवेव, मतलब कि रेंज माइक्रोवेव, मतलब कि सस्ता माइक्रोवेव होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो केवल 60 का वॉल्यूम है, और यहाँ पर एक वेबसाइट रैंक कर रही है, और यहाँ पर अमेजोन भी कर रहा है, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपकी रैंक करने की, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक्स भी रैंक कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है ना। 60 का वॉल्यूम है, पर अगर यहाँ पर इसने 60 के वॉल्यूम ने आपको एक भी सेल दे दी ना, तो भाई आपके मजे आने वाले हैं, मतलब कि आपका महीने का आराम से $500 से $1,000 इजिली बन जाएगा अगर आप अच्छा प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो वहाँ पर, जो कि हाई रेंज का होने वाला है वहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स है, मतलब कि आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड को टारगेट करने, ऐसे नहीं करने की भाई जिसपे वॉल्यूम 200 300 500 600
कैसे है, भाई आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड टारगेट करने हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जब भी आप रैंक कर पाओगे और साथ साथ अपनी सेल्स ला पाओगे, जल्दी से आप ग्रो कर पाओगे भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, तो भाई आपको ऐसे ही कीवर्ड टारगेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े कीवर्ड्स है ना जिन पर हाई वॉल्यूम है, उस पर केवल बड़ी बड़ी वेबसाइट ही रैंक कर रही होगी, तो आपको केवल ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है, जो कि आप यहाँ पे देखते हो इसकी जो ट्रेंड है बिल्कुल ट्रेंड भी चल रहा है सही, और यहाँ पर यूट्यूब रैंक कर रहा है, मतलब कि किसी ने लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है भाई, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, आपको बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड मिल चुके हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।